हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर। तो जितने भी आईटीआई पास सभी छात्र हैं उन लोगों से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आप लोगों के खिलाफ जो यहाँ पे साजिश किया जा रहा, आप लोगों को जो यहाँ पे बेरोजगार करने का यहाँ पे जो साजिश किया जा रहा उसके बारे में बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा क्लू है जो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि आरआरबी का जो मीटिंग हुआ था पटना के टीचर के साथ, और जब मीटिंग के बाद सभी टीचर ने अपना अपना जो भी सुझाव था, जो भी रेलवे बोर्ड के साथ उनका वार्तालाप हुआ, वो सभी यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किए। उसी के बीच आपका बिग अपडेट ये निकल के आ रहा था कि अब आपका ग्रुप डी में आईटीआई को हटाया जा रहा। क्या आपको पता है कि आईटीआई को हटाया नहीं जा रहा बल्कि आईटीआई को हटवाया जा रहा है। आप सही सुन रहे हो, रेलवे ये चाहता ही नहीं है कि ग्रुप डी से आईटीआई को हटाया जाए, परंतु पूरा डिटेल से बात करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आईटीआई छात्रों के लिए बहुत बुरी अपडेट आ रही है और इसको कैसे फिर से सुधारा जा सकता है इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पर देखने को मिलते रहता है। साथियों, अगर आप भी रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बेस्ट प्रिपरेशन के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से, जिसमें आपका एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी जैसे रेलवे के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके सामने किरण पब्लिकेशन का बुक आता है। इसके माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकते हो। और इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपका जनरल साइंस में 27,000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको 1992 से लेकर 2022 तक में जितने भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, हर एग्जाम का आपका ईयर वाइज और टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये आपका साइंस का बुक है और इसके साथ साथ आपका सिमिलरी मैथमेटिक्स का भी बुक आता है, जिसमें 10,000 से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलता है। 1996 से लेकर अब तक ऑब्जेक्टिव टाइप सारा क्वेश्चन आपको टीसीएस प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बेस्ड मिलता है। बुक को बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो आप नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पार्टिकुलर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिटेड हैं और यहाँ पे जब स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस करके आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस नोटिस में आपका वही है, पहले जो नोटिस पब्लिक किया गया था वही सारा कुछ बताया गया। और ये नोटिस आपका 2019-20 से यहाँ पे रेलवे के द्वारा रेगुलर यहाँ पे सर्कुलेट किया जा रहा, और इस नोटिस के माध्यम से ये बताया जा रहा कि भैया अब हम 10th वाले को ग्रुप डी में नहीं लेंगे। अब आपको ग्रुप डी के लिए मिनिमम आपके पास आईटीआई या फिर वैसे कैंडिडेट जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है, हम उनको मौका देंगे। अब एक बात ये नहीं समझ में आता है कि रेलवे आपके साथ खेल खेल रहा है या फिर टीचर लोग आपके साथ खेल खेलना चाह रहे हैं। पुराने अगर भर्ती के बारे में बात करें, जो 18 में हुआ, 19 में हुआ, उसमें भी आपका 19 वाला में आईटीआई लागू था, पर यहाँ पे आंदोलन प्रोटेस्ट के बाद रेलवे ने आईटीआई को हटा दिया। पर उसके बाद रेलवे लगातार ये नोटिस पे नोटिस निकाल रहा है कि भैया जो भी हम अगला भर्ती लेंगे ग्रुप डी का, उसमें आईटीआई और एक्ट अप्रेंटिस कंपलसरी होगा। 10th वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे पर कुछ ही पोस्ट पे करेंगे, सारे पोस्ट के लिए 10th वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। जब रेलवे को यही चेंजमेंट करना था तो भैया 2019 में क्यों नोटिस दिए, 2020 में क्यों नोटिस दिए? जिन कैंडिडेट के पास पैसा नहीं था वो लोग किसी तरह इधर उधर से लेन देन करके आईटीआई का कोर्स यहाँ पे किए, ताकि जितने भी रेलवे अप्रेंटिस और ग्रुप डी का जो भर्ती आता है उन सभी का हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएं। उसके बाद अभी पता चलता है 4-5 सालों के बाद, वो भी रेलवे के द्वारा क्लियरिफाई नहीं किया गया। एक बात का ध्यान रखिएगा, रेलवे ने अभी तक कुछ भी ऐसा क्लियरिफाई नहीं किया है कि हम आईटीआई को हटाने वाले हैं, ऐसा कोई भी क्लियरिफाई नहीं किया है। परंतु शिक्षकों के द्वारा, टीचरों के द्वारा, जो भी एसएससी का तैयारी करवाते हैं, जो पुलिस का तैयारी करवाते हैं, जो बैंकिंग का तैयारी करवाते हैं, वो लोग के द्वारा लगातार यहाँ पे रस और भ्रमित किया जा रहा छात्रों को कि रेलवे अब यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट को मौका नहीं देगा, रेलवे से आईटीआई हटने वाला है। ये सिर्फ कैंडिडेट को भ्रमित किया जा रहा ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा कोर्स सेल हो सके और ज्यादा से ज्यादा वो पैसे की कमाई कर सके। मुझे तो एक बात ये नहीं समझ में आती है कि जिस छात्रों के बदौलत, जिस कैंडिडेट के बदौलत आज वो इस स्थान पे पहुंचे हैं, उन्हीं कैंडिडेट का वो भविष्य अंधेरे में करने में लगे हुए हैं।
और हर बार ये न्याय जो अन्याय होता है आईटीआई छात्रों के साथ ही होता है, तो इसके लिए आप लोग ही जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी बात कि आप लोग में यूनिटी नहीं है। जब यहाँ पे 2019 में भर्ती आया था उस समय भी जनरल वाले कैंडिडेट जो है प्रोटेस्ट करके रेलवे का फैसला बदलवा दिए थे, और यही पूरा प्लानिंग फिर से चल रहा 2024 में जो ग्रुप डी का भर्ती आएगा कि इसमें भी आपका सेम वही प्रोटेस्ट करेंगे ताकि रेलवे जो है आईटीआई को फिर से हटा दे। और यहाँ पे रेलवे अभी कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दे रहा, हम फिर से आपको बता रहे हैं। इसमें आपको जितने भी टीचर जो मीटिंग में गए थे वो लोग आके ओपनली बोल रहे हैं कि वहाँ पे आईटीआई को हटाया जा रहा है। आप सीधा सा ये जान लीजिए कि हटाया नहीं जा रहा है, हटवाया जा रहा है। सभी अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि भैया ग्रुप डी से आईटीआई को हटा देना चाहिए। आप अगर मानकर चलिए कि रेलवे ने अगर आईटीआई एलिजिबिलिटी को हटा दिया ग्रुप डी से, तो फिर क्या होगा, टेंथ वाले कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, ट्वेल्थ वाले भरेंगे, डिप्लोमा वाला भरेंगे, बीटेक वाले भरेंगे, ग्रेजुएशन वाले भरेंगे, एमटेक बीटेक सभी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, और इन सभी छात्रों के सामने आईटीआई वाले इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए फिर आईटीआई करके क्या फायदा मिला, क्या क्या होगा उनका। एक तो एएलपी का भर्ती पहले ही ये लोग कम दिए हैं, ऊपर से आईटीआई के रिगार्डिंग यहाँ पे साजिश किया जा रहा जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कोई भी हाथ नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ गलती है तो उन टीचरों की जो यहाँ पे लगातार अफवाह फैला रहे हैं कि आईटीआई यहाँ से हटाया जा रहा है। तो सभी छात्र से निवेदन है कि अपनी यूनिटी को बना के रखिए। अगर मान लीजिए वैसा समय आ गया तो आप लोगों को भी अपना यूनिटी दिखाने का मौका मिलेगा कि पार्टिकुलर आईटीआई के कितने छात्र यूनिटी में हैं। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक शेयर करिएगा ताकि हर छात्र तक ये बात पहुंच जाए कि आईटीआई से आईटीआई के छात्रों के साथ यहाँ पे खिलवाड़ करने की पूरी से पूरी साजिश जो है शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा, कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे आईटीआई में जो ग्रुप डी में होता है आईटीआई उसे जल्द से जल्द यहाँ पे हटवाया जाए ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए मेन यहाँ पे शिक्षकों का क्या होता है कि उनको मास में एकदम चाहिए, मास मतलब भीड़ चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ चाहिए, तो ही उनका ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स परचेस होगा, कोर्स सेल होगा, तब जाके वो अच्छी से अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप जिस भी टीचर का फॉलो करते हैं, आप जिस भी टीचर से पढ़ाई करते हो, हर एक टीचर को बोलिए कि ये वीडियो उनके चैनल पे एकदम होना ही होना चाहिए, आईटीआई के पक्ष में एक वीडियो उनके चैनल पे होना चाहिए। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जो भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, इस वीडियो को वहां तक जरूर पहुंचाइए ताकि सभी कैंडिडेट आईटीआई के अगर आज जागरूक नहीं हुए ना, तो फिर वैसे ही आप 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में भी कुछ कैंडिडेट आईटीआई कर रहे हैं, कोई बेनिफिट आईटीआई का फिर आप लोग नहीं ले पाओगे, फिर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही जाकर ज्वाइन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट भी ध्यान दीजिए, ठीक है। यह मत समझिए कि अगर आपको 20% का कोटा मिल रहा तो इससे बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाला टाइम में रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का कैंडिडेट का जो संख्या है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बार सभी शिक्षकों से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि प्लीज एक बार आईटीआई छात्रों के बारे में भी सोचिए, आईटीआई को हटवाने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। चलिए मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।